हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ ग्वार की फली, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। हमारे गांव में हम लोग इसको बड़े चाव से खाते हैं, बाजरे की रोटी के साथ, मक्के की रोटी के साथ। और गांव का स्वाद इधर हम लोग नहीं ला सकते, पर यहाँ हम वैसा स्वाद थोड़ा चेंज करके ला सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगे रेसिपी तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। आप लोग है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप वीडियो देख लेते हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया करके आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इधर मेरे हस्बैंड के साथ आर्मी क्वार्टर में रहती हूँ। हम लोग गांव से हैं, उधर ताज़ी सब्ज़ी मिलती है, हम खेतों में से ताज़ी सब्ज़ी तोड़वा के लेके आते हैं, वही बनाते हैं। वहाँ टेस्ट अलग होता है, पर हम लोग सेम टेस्ट तो नहीं ला सकते, पर इधर कुछ वैसा ही टेस्ट लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, बनाना एकदम स्वाद बनेगी, मैंने बनाई है और आप बना के ज़रूर देखना, ट्राई करना प्लीज़, आपके आपको भी अच्छी लगेगी। देखो, मैंने ये ग्वार की फली है, ये साफ़ करनी है, इनको मैंने बीच में से काटा नहीं है, ऊपर से और इधर से थोड़ा सा कट किया है। अब मैं इसको कुकर में डाल देती हूँ, इसको दो सीटी लगाएंगे हम लोग, लगभग आधा ग्लास पानी में, मैंने आधा ग्लास पानी का डाल दिया है और इसको मैं ढक देती हूँ। इसमें दो सीटी लगेंगी, ये उबल जाएंगी, फिर तुरंत इसकी जो सीटी है कुकर की वो निकाल देना। ये मैंने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, गैस की फ्लेम को तेज कर देते हैं हम लोग। ये फलियां उबलती है इतने टाइम में, हम लोग लहसुन छील लेंगे। ये हम लहसुन को कूट लेते हैं थोड़ा सा। गांव में हम लोग सिलबट्टा होता है, उस पर साबुत मिर्च और लहसुन पीस लेते हैं तो स्वाद अलग होता है। यहाँ सिलबट्टा है नहीं तो हम लोग इसी में लहसुन को कूट लेते हैं। कुकर में लगभग दो सीटियाँ आ चुकी है, अब हम इसको बंद कर देते हैं। छलनी है जिसमें हमने फलियों को निकाल लिया है और इसमें पानी निकाल दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसमें रखेंगे तवा। तवा रख दिया है, हमने लहसुन कूट लिया है, ये है लाल मिर्च पिसी हुई और ये है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इनमें तीखा खाते हो तो तीखा और थोड़ा नॉर्मल मिर्च खाते हो तो आप नॉर्मल मिर्च डाल सकते हो। अब ये और ये, इसमें हम हाथ से मेल्ट करेंगे इसको। कर लिया है मिक्स इसको, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ऐसे कर लें थोड़ा सा। सारा लहसुन नमक मिर्च सारा इसमें मेल्ट हो गया है अब ऐसे। अब हमने ये तवा रखा है, तवे को मैंने गरम कर लिया है, इसको इधर रखेंगे। और ये कटोरी है आप देख रहे हो, इसको इतना गरम कर देंगे बिल्कुल ऐसे
जैसे हम घी डालेंगे तो इसमें धुआं निकलने लगेगी। तो मैं इसको गैस के फ्लेम को गर्म कर देती हूँ। ऐसे रख दिया मैंने। मैं इसको ऐसे कर दूँ, बीच में से इसको फलियों को चारों तरफ से राउंड बना दूंगी। ये देखो गर्म हो गई है। इसको मैं इधर रखूंगी। के ऊपर मैं घी डालूंगी और ये मैंने ढक दिया। अब ढक दिया, हम 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। खोलते हैं और देखो खुशबू हो गई है। गांव में हम लोग ऐसे करते हैं, इसमें जो आंच होती है लकड़ी की वो बीच में रखते हैं और देसी घी डालते हैं या फिर मिट्टी का कोई बर्तन हो छोटा वो डालते हैं, गरम बिल्कुल एकदम ऐसे गरम हो जाए लाल, उसके ऊपर है ना हम लोग घी डालते हैं और उसमें जो धुआं निकलता है उसको हम ढक देते हैं। तो इससे है ना इसका टेस्ट है ना बड़ा अच्छा ही आता है। ये बन गई है हमारी ग्वार की फली। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना अगर पसंद आए तो।